हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी मिश्रा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो आज मैं स्लीव्स की डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो मैंने देखिए स्लीव को कट कर दिया है। मैंने इसकी लेंथ रखी है 10 इंच और 9 इंच इसका मैं चौड़ाई रख रही हूँ। देखिए मैंने कटिंग कर दिया है स्तर की। अब हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ से। तो पूरा 1/2 इंच पे हम मार्क कर देते हैं। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन से बराबर कर देंगे पूरा जितना मैंने मार्क किया है। अब यहाँ से हम कट कर देते हैं इसको। तो ये देख लीजिए, मैंने अस्तर को कट कर दिया है बीच से। मैंने ये फैब्रिक लिया है जो मुझे स्लिप पे बनाना डिज़ाइन करके, तो इसको मैंने बीच से कट कर दिया है। ये मेरा 2 पार्ट में आ चुका है। तो एक पार्ट हम ले लेते हैं और मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से स्टिच करके दिखाती हूँ। तो पहले मैं इसको बराबर करती हूँ, कपड़े और अस्तर को एक सिलाई लगा के यहाँ से स्टिच कर देंगे और दूसरे साइड से भी सिलाई लगा के स्टिच कर दीजिएगा। बीच में हम कट लगा देते हैं जिससे हमारा कॉर्नर अच्छे तरीके से आए। उलट कर जब हम सीधा करें इसे तो अच्छे से इसे फोल्ड करके कॉर्नर के साइड से उलट कर सीधा कर दीजिएगा। तो मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब चलिए मैं एक सिलाई लगा के इसको अच्छे तरीके से पूरा स्टिच कर देती हूँ स्लीव को। तो ये देखिए मैंने पूरा सिलाई लगा के इसको स्टिच कर दिया है। अब इसकी जो साइड में बची हुई है वहाँ से भी हम सिलाई लगा के स्टिच कर देंगे। तो ये देख लीजिए मैंने पूरे स्लीव की स्टिचिंग अच्छे तरीके से कर दी है। अब मैं आपको दूसरा स्लीव का देखिए मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब मैं आपको आगे का डिज़ाइन दिखाती हूँ। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको मैं डबल फोल्ड करके स्टिच कर देती हूँ। तो आपको जितना चौड़े में डिज़ाइन बनाना आप बना सकते हैं। तो देखिए मैंने कपड़े को अच्छे तरीके से पूरा स्टिचिंग कर लेते हैं पहले, फिर आपको आगे का डिज़ाइन दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर दी है। अब इसको मैं उलट कर सीधा कर ली हूँ अच्छे से पूरा पट्टी को सीधा करके। फिर इसके हाथों की सहायता से हम इसे प्रेस कर देते हैं। अब चलिए मैं आपको आगे का डिज़ाइन दिखाती हूँ। तो ये मैंने पट्टी लिया हुआ है। अब इस पे जो है हमें डिज़ाइन करना है। तो मैं 2.5 इंच की लंबाई में इसको कट करेंगे। तो सभी जो जितने पार्ट्स इसमें आ सके उतने पार्ट्स को हम 2.5 इंच की लंबाई पे रख के बराबर कर लेते हैं पूरा। देखिए तो मैंने पूरा बराबर में फोल्ड कर दिया। अब इसको मैं कट कर देती हूँ अलग अलग पार्ट में। ये देख लीजिए मैंने अलग अलग पार्ट में पूरा कट कर दिया है पट्टी को। अब मुझे इससे डिज़ाइन करना है स्लिप पे। मैं इसको डिज़ाइन करके आपको वीडियो में दिखा देती हूँ। ऐसे इसी तरीके से आप भी डिज़ाइन कर दीजिएगा। तो बराबर में रखते हुए हम सभी पट्टियों को स्टिच कर देंगे। ये देख लीजिए मैंने बराबर में रखते हुए एक साइड से पूरा स्टिच कर दिया है पट्टी को। फिर डबल सिलाई लगा दीजिएगा तो इससे स्टिचिंग हमारी अच्छी रहेगी। अब दूसरे पार्ट को भी हम इसके साथ में ज्वाइंट कर लेते हैं। तो अच्छे से बिल्कुल बराबर में रखते हुए दूसरा पार्ट भी हम ज्वाइंट कर देते हैं। तो देख लीजिए वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से इसको ज्वाइंट कर रही हूँ। अब दूसरी सिलाई लगा के भी देखिए मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब चलिए मैं आपको आगे का डिज़ाइन दिखाती हूँ। तो इस पे हमें पहले लैस लगाना है। तो चलिए मैं आपको लैस लगा के दिखा देती हूँ। ये मैंने लैस लिया है, इसको अच्छे तरीके से हम डिज़ाइन के बाजू में स्टिच करेंगे। देखिए मैं साइड में भी लगा रही हूँ और इसके बाद नीचे के साइड भी लेस लगा दीजिएगा, अच्छा दिखेगा ऐसे डिज़ाइन हमारा। तो ये देखिए एक साइड से मैंने लेस को अच्छे तरीके से पूरा स्टिच कर दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको बीच का डिज़ाइन दिखाती हूँ। तो ये मैंने गोल्डन कलर की बड़ी वाली मोती लिया है। अब मैं आपको बीच में जो डिज़ाइन किया जाएगा उसको मैं बना के दिखाती हूँ। तो मैं बीच में बटरफ्लाई डिज़ाइन बना रही हूँ।
तो आपको भी बटरफ्लाई डिज़ाइन बना लेना है। जिस तरीके से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही आप भी बना लीजिएगा। तो ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही इजी है, आप बहुत ही जल्दी और इजी तरीके से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी। और ये डिज़ाइन बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है, तो दूसरे लोगों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देख लीजिए, मैंने आपको एक डिज़ाइन बना के दिखा दिया है और ये मैं दूसरा बना रही हूँ। ये देख लीजिए, मैंने दो डिज़ाइन कम्प्लीटली बना दिया है। एक डिज़ाइन मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो जिस तरीके से मैंने आपको इतने सारे डिज़ाइन को बना के दिखाया हुआ है, इसी तरीके से जितने भी बचे हुए हैं सब पे हम बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने पूरा बना दिया है डिज़ाइन को और ये मेरी स्लीव डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। और देखिए कितनी इसी तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरी कोई डिज़ाइन ड्रेस या ब्लाउज अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। और मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके मेरे आईडी पे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।